वेलकम गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिलजीत लैब में। ये देखिए, आज हमारे पास खड़े मसाले हैं, बैठे मसाले हैं और तरह तरह के मसाले हैं। बहुत अच्छा सामान हमारे पास। ये देखो, ये भी बड़ा, हमने नवी प्यूरी बनाई है, ये भी हम आपको बताएंगे हमने क्या बनाया है। सब्जी, दाल सब्जी बनाने से पहले आपने चौल को चूल्हे पे चाड़ देना है, और सॉरी कुकर में चाड़ देना है। आप चाहे रोटी बनाते हैं तो फिर रोटी मैं तो बनाता नहीं, मुझे आती नहीं है, तो मैं आपने मतलब जिस जो चीज खानी है वो किस चीज के साथ खानी है वो आपने पहले चाड़ लेनी है। ये बनते रहेंगे, इधर हमारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो आप ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं जिनको नहीं बनानी आती। सो ये देखो क्या खूबसूरत माहौल बन रखा है यहाँ पर। आप सोच रहे हो कि बन क्या रहा है। सो गाइस अभी बताते हैं। बहुत ही कम तेल डाल के हमने आग लगा दी है। ये देखो, मैं बहुत ही कम तेल डालता हूँ हर रोज, पर फिर भी मैं ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाता हूँ, नट नहीं पाता हूँ, तो भरा भरा होता जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, कर लेंगे अपने आप को ठीक। हूँ स्वाद ले लीजिए। सो अब स्वाद की बारी है। सो ये देखो, थोड़ी थोड़ी आग में धुआं आ रहा है। इसके चक्कर में हमने खड़े मसाले डालने हैं, तो इसको ना आपने धीमी कर देनी है बिल्कुल, नहीं तो आपके मुंह पे छींटा पड़ सकता है। नेमन पहले तुम आ जाओ। इसका नाम है तेज पाता। तो ये जाना मन है, जाने मन नहीं है। ये मोटी जी चीज है कुछ, ये भी डाल देते हैं। इसको बोलते हैं सीनेमन, इसको भी डाल देते हैं। और तू लौंग तेमे लाची, चल तू भी बेच काका। खड़े मसालों का और बैठो मसालों का अपना अलग अलग मसाला है। सो आज कभी मैं खड़े मसाले यूज करता हूँ, कभी मैं बैठे हुए मसाले यूज करता हूँ। सो आज मैंने पहले खड़े मसाले यूज किए हैं। और उधर मारा कुकर सीटी लगा, मारन मार दे काका मार दे। जी हाँ, हमने नमक भी डाल दिया है। मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा हो गया है नमक, पर कोई ऐसी बात नहीं है, बनते बनते गैप हो जाएगा। थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है मुझे, इतू सा ज्यादा हो गया है, चलो कोई बात नहीं, नो वरीज। अब हम इसमें डालेंगे गंड। जी हाँ, आज हम बना रहे हैं हरियाला दही वाला कुकड़ू। यस, हमने कुकड़ू को मैरिनेट कर लिया था, और अब हम पूरी हाई फ्लेम पे इसको गांडों के साथ मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी अदरक लहसुन की पेस्ट हम इसमें सीड देते हैं। आज हमने इसको पहले काट लिया है, कल ये पुड़क के बाहर निकल गई थी। चलो, थोड़ा सा मैंने इसमें H2O मिला दिया था, और अब हम मिलाने जा रहे हैं इसमें अपनी टमाटो प्यूरी। यस, आप इसमें टमाटो प्यूरी डाल दें। हाफ कप ऑफ H2O देन टमाटो प्यूरी। हाँ, मैंने इसको ऐसे पूरा काठा करके चला दिया है, और अब मैं इस पर उड़न तश्तरी रख दूंगा, और 15 मिनट इसको मीडियम हाई फ्लेम पे पाकने के लिए छोड़ दूंगा। लो जी, पूरे 15 मिनट हो चुके हैं, और उड़न तश्तरी जो है वो हम उठा देंगे बहुत जल्दी, बस एक मिनट के बाद। और इसमें बाद में हम डालेंगे हरियाला दही वाला। हरियाले में मैं आपको बता दूं क्या है, दही में तो आपको पता ही है, हरियाले में है पुदीना, धनिया, दो मिर्चा। क्या कलर और क्या फ्रेग्रेंस आ रही है, कमाल हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम इसमें आग मैंने बिल्कुल धीमी कर दी है, अब हम इसमें दही सीटेंगे। मिर्ची और गरम मसाला मैंने इसमें सीट दिया था, अब हम इसमें अपनी पुदीने, धनिये और दो हरी मिर्च, उनकी जो पेस्ट है वो भी हम इसमें सीट के रला लेंगे। ये आज का मेन इंग्रेडिएंट्स है। ओहो, जो पुदीने की स्मेल आ रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि कैप्सिकम रहन दे इसमें डालने में, ज्यादा ना कुकड़ू हरा हो जाए हमारा। सो ज्यादा ग्रीन नहीं करना है, मुझे लगता है कि आज यही ग्रीन रहने देते हैं, वो उसका कल कुछ और बना लेंगे। सो डल गया है इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ, हम इसको ढक के एक बार फिर पका लेंगे 15 मिनट। वेट में भूल गया था, नींबू को भी निचोड़ना है। सॉरी, तेरा पला हो जाए कहीं सीधा ही ना बेच जा फिर बढ़ जाए। सो आपने नींबू को भी निचोड़ देना है, बहुत अच्छे, एक नींबू पूरा निचोड़ देना है बेच। चंद जूलियस अदरक के वो भी सीट दो, और थोड़ा सा ऊपर धनिया भी भूख दें तो बहुत ही कमाल हो जाएगा। और अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे हिला के 10 मिनट के लिए और पका लेंगे, और उसके बाद चौड़ों के साथ स्लर्प जाएंगे। ओहो पापा, कुकड़ू कुकड़ू बड़ा प्यारा लागे तू, मैं थोड़ा सा टेस्ट भी कर लिया, बड़ा ही स्वाद बनया। आई नीड वाई स्पून राइट नाउ।